Hello students, welcome back to your channel Real Concept. It's time to physics. यानी हम लोग class 9 के science का जो एक chapter है physics से आता है work energy and power के बारे में आज discuss करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले जानते हैं work क्या होता है. सब लोग जानते हैं work क्या होता है, कार्य क्या होता है. अगर general life में देखें तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करते ही रहते, कुछ ना कुछ work करते ही रहते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सामान को इधर उधर करते रहते हैं. ठीक है, यानी कुछ ना कुछ लोग काम करते ही रहते हैं, वर्क होता ही रहता है. तो आज हम लोग जानेंगे क्या जो ओ वाला वर्क है, जनरल लाइफ में वर्क है, फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क क्या होगा उसके बारे में जानेंगे हम लोग आज. क्या वही वर्क यहाँ पर भी है? तो आइए जानते हैं वर्क क्या होता है. ठीक है, फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट मार्कर है, इस पर हमने क्या कि फोर्स अप्लाई किया और बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है. यानी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें वर्क की, तो कह सकते हैं वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस. ओके, समझिए बात को थोड़ा सा. वर्क क्या होता है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, इस पर हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में हमने क्या किया, फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे. ये क्या हमारा, इट्स ऑब्जेक्ट. इस पर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और ये बॉडी क्या हुई, इसी डायरेक्शन में मूव कर हुई, या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो हम कहेंगे इस बॉडी पे वर्क हुआ है. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी बॉडी. हम कहेंगे बॉडी पे वर्क हुआ है. ठीक है, अगर वर्क के यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर. यानी जो ये साई यूनिट ऑफ देसाई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर जूल. ठीक है, और सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. क्या है, अर्ग. जो वर्क का सीजीएस यूनिट होता है क्या होता है, अर्ग होता है. अगर हम वर्क को देखें तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, दो क्वांटिटीज बेसिकली भी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है. ठीक, और वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, तो इतना बस जानिए. अभी क्लास 11 में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, बट अभी आप 9th के लेवल से ये जानिए कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं. अब देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. वर्क क्या हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ये देखते हैं, अच्छे से एग्जांपल लेकर के समझाएंगे वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क जीरो कब होगा. आइए जानते हैं. पहला केस लेते हैं, वर्क पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि देखिए वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है. तो पहला क्या हमारा, वर्क पॉजिटिव. पहले कह सकते हैं वर्क पॉजिटिव कब होगा. ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया. क्या किया, फोर्स लगाया और बॉडी
उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई, यानी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में ही हुआ, यानी कि यहाँ पे थीटा जो बनेगा, एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, जीरो, जीरो डिग्री। ओके, यानी कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, पहला केस जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा हमारा। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या है, सपोज करिए यहां पर हम खड़े हैं, ठीक है, सपोज करिए हम यहां पर खड़े हैं और यहां पे एक छोटी सी टॉय है, छोटी सी एक टॉय है, इसको हम क्या कर रहे हैं, समझ लो कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एक रस्सी से बात करके टॉय को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, रस्सी से बात करके टॉय को खींच रहा है। आप देख पा रहे टॉय क्या कर रहा है, हम लोग बचपन में क्या करा करते थे कि एक छोटे से खिलौने को क्या करते थे, रस्सी से बांध करके खींचते थे, तो क्या होता था, देखो फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है। ओके, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखें अगर हम, तो कहें कि 90 डिग्री से कम हो रहा है, इट मीन्स वर्क व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री वर्क विल बी पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो वर्क क्या होगा, वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है, वर्क पॉजिटिव कब होगा, पहला केस जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। दूसरा केस क्या, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है 90 डिग्री से कम बनेगा तो हम कह सकते हैं कि वर्क विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस हम लेते हैं, वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, अगर पहला केस अगर हम लोग देखें वर्क नेगेटिव कब होगा, अगर हम फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर फोर्स हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और मोशन कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो वहां पे क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये हमारा कोई स्लोप है, ठीक है, यहां से कोई गाड़ी, समझ लो कोई व्हीकल यहां से आ रही है, ये और क्या है, एक स्लोप है, यहां से कोई व्हीकल समझ लो आ रही है, चल के आ रही है नीचे, यानी देखे तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पे समझ लो आप खड़े हो, फिर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, इसको रस्सी से क्या कर रहा है, रस्सी से खींच रहा है। आप देख सकते हैं फोर्स कहाँ लगा रहा है, फोर्स अपर डायरेक्शन में लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। अगर इसके और इसके बीच का एंगल देखे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखे, तो क्या आ रहा है, 90 से ज्यादा आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं वेल थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 द वर्क विल बी नेगेटिव। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनता है तो हम कहेंगे वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आप देख रहे हैं फोर्स कहाँ लग रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, रोप से ऊपर की तरफ खींच रहा है, बट मोशन कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का और नीचे की तरफ हो रहा है। इट मीन्स अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का के बीच का एंगल लेके थीटा क्या हो रहा है, मोर देन 90 डिग्री, इट मीन्स The work will be negative. यानी हम कह सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। अब तीसरा केस लेते हैं जो हमारा है, वर्क पॉजिटिव देख लिए, वर्क निगेटिव भी देख लिए, वर्क जीरो भी होता है, क्या होता है, जीरो भी। अब जीरो कब होगा, आइए देखते हैं, ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, जनरल लाइफ में वर्क कभी भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो काम होगा, बट फिजिक्स में वर्क जीरो भी हो सकता है, आइए देखते हैं कैसे। अभी हमने पढ़ा था W इक्वल्स एफ एस, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
अब आप बताइए कि वर्क जीरो कब होगा? पहला केस, इन फर्स्ट केस, इफ इफ एफ इक्वल्स जीरो देन वर्क डन विल बी जीरो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लगाएं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगाएं तो क्या होगा? वर्क जीरो होगा। आइए देखते हैं, अगर इसमें क्या करते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स फोर्स क्या है, जीरो इंटू एस। जीरो से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू उसकी जीरो आती है, वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, अगर हम लोग दूसरा केस देखें, इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड केस, इफ एस इक्वल्स जीरो, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। आइए देखते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स क्या हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इक्वल्स फोर्स, फोर्स तो लगा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी वर्क क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं। अच्छा एक चीज़ समझो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दीवार को एक धक्का लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ मैं, और पूरा दिन भर धक्का लगा रहा हूँ, फिर भी दीवार क्या हो रहा है, हिल नहीं रहा है, फिर भी दीवार हिल नहीं रहा है। यानी कि अगर हम समझ लो कि 1000 न्यूटन का भी फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, 1000 न्यूटन का भी फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, दीवार पे लगा रहे हैं, बट जो दीवार है हमारा, वाल है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी क्या होगा, वर्क जीरो होगा। लेकिन जनरल लाइफ में क्या होता है, अरे हम तो बहुत काम किए हैं, थक गए हैं, बट इन फिजिक्स वर्क विल बी जीरो बिकॉज देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। अभी क्लास 11th में जाएंगे तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा अच्छे से क्या होता है सारी चीज़ें। जैसे W इक्वल्स, इसका रिलेशन होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, यानी अगर कॉस 90, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 बनता है, ठीक है, तो भी वर्क क्या होगा हमारा, जीरो होगा। यानी कि W इक्वल्स एफ एस कॉस 90, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है, वर्क यहाँ भी जीरो होगा, यानी वर्क जीरो भी हो सकता है। अब जल्दी से समझ ले क्या होता है, तीनों को रिकैप कर लेते हैं। व्हेन थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, व्हेन थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री, वर्क विल बी पॉजिटिव। दूसरा केस, वर्क नेगेटिव कब होगा, व्हेन थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क विल बी नेगेटिव। तीसरा केस, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, द वर्क विल बी जीरो। ओके, आइए अब जानते हैं एनर्जी, वर्क तो हम लोग जान गए, वर्क क्या होता है, आइए अब एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, आप लोगों को पता ही हो गया वो एनर्जी सुनते ही। एनर्जी देखो, बहुत लोग बोलते हैं, देखो आई हैव नो एनर्जी टू डू वर्क, देखो मेरे पास एनर्जी नहीं कोई काम करने का। लोग बोलते हैं देखो यार कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव नो एनर्जी, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं बताओ यार करना क्या, आई हैव सो मेनी एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, बताओ क्या करना है, कुछ भी कर देंगे। यानी कि एनर्जी क्या होता है, अगर हम लोग देखें कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, एनर्जी को डिफाइन करें, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ओके, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एनर्जी है तो जूल ही होगी, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एनर्जी क्या हो, जूल होगी। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, अर्ग होगी। और एनर्जी भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्या होगा भाई, स्केलर क्वांटिटी, यानी हम कह सकते हैं एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और इसके बारे में क्लास 11th में अच्छे से डिस्कस करेंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। और
अगर देखा जाए तो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, एनर्जी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ कौन सा एनर्जी निकल रहा है भाई, साउंड एनर्जी। सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, बहुत सारी एनर्जीज हैं, बट क्लास नाइन्थ में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जिससे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, सिंपल सी बात है। यानी हम देखें एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी में भी कौन सी एनर्जी पढ़ने वाले हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के भी दो पार्ट होते हैं, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में रट के चले जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रट के चले जाते हैं। बट आज मैं ऐसे बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जानने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक बचाओ उसको जान लेते हैं एनर्जी के बाद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जान लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। देखो कंजर्व वर्ड आ रहा है ना, यानी हम कह सकते हैं द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कह रहा है एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी निकल रही है और माइक से होते हुए मोबाइल में जाकर रिकॉर्ड हो जा रही है, यानी कि एनर्जी क्या हुई, दूसरे से हमारे यहाँ से जाकर के वहाँ पर ट्रांसफर हो गई। यानी कि एनर्जी ना ही क्रिएट हुआ ना ही नष्ट हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर कैंडल जलाते नहीं जलाते हम लोग, ठीक है, उसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, और मोमबत्ती जलाते हैं हम लोग, क्या होता है केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एनर्जी कभी भी क्या होता है ना क्रिएट होगा ना नष्ट होगा, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। अब आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है, तो कहीं भी अगर पोटेंशियल एनर्जी आता है तो हमें क्या याद रखना है, स्टोर्ड, क्या याद रखना है स्टोर्ड, जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में क्या याद रखना है, मोशन, यानी किसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, और कोई, चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। हर डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन, बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh, अब देखिए ये भी एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट जूल होगी भाई, यूनिट क्या होगी, जूल होगी, बिकॉज क्या ये भी एक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सपोज दैट
ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हाई टच तक क्या किया, उठा करके ले गए हम, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए हाइट एच तक, ठीक है। यानी हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज किया, क्या किया हमने, कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे, उसको हाइट एच तक क्या किए, लेके गए थे। यानी इसमें क्या किए, पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट पे क्या किए, एनर्जी को स्टोर्ड कर दिए। यानी कि पॉइंट ए से ले जाकर हमने पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। यानी कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कर दिया हमने। यानी कि ऑब्जेक्ट के पोजिशन को चेंज करके ए से बी पहुंचा दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, इसकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बी पॉइंट पर हाईएस्ट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन का एग्जांपल हो गया। अगर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का देखें, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, स्प्रिंग को हमने क्या किया, कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया। यानी कि हम पोजीशन ये मान लो, इसको ये मान लो, हमने क्या की, स्प्रिंग को कंप्रेस करके क्या किया, जैसे मान लो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कुछ ऐसा बन गया। यानी कि हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड करा दिया। यानी क्या किया, एनर्जी स्टोर्ड करा दिया किसका, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे भाई तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। छोड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होते होते पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी। ओके, ये क्या होगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके शेप और साइज में हमने क्या किया, चेंज कर दिया, एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ओके, एसआई यूनिट मैंने बताया था जूल होती है, इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स एम जी एच, ठीक है। आइए अब समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखें, सबसे बड़ी बात है कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ही होगी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो एनर्जी जो होगी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी ही होगी, ठीक है। आइए डेफिनेशन देखते हैं, हम लिखेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाई द बॉडी By virtue of its motion is called kinetic energy। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वहां पे जो एनर्जी होगा कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी क्या एक प्रकार का एनर्जी ही है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी भाई, जूल। एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, हम चल रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें, क्या काइनेटिक एनर्जी, हमने क्या किया बॉल को फेंक दिया, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। कोई कार चल रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फुटबॉलर क्या कर रहा है, अपने पैर से फुटबॉल को किक कर रहा है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। और एक चीज और हाँ समझ लो आप लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना स्पीड बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इन स्पीड। यानी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। आई होप आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे अगले वीडियो में। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे बहुत ही वेरी इजी स्टेप में। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एकेडमी का हर चीज़ मिलेगा, फिजिक्स से केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इंग्लिश सोशल साइंस एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू एकेडमी वी विल प्रोवाइड हियर। यानी कि चैनल पूरा एकेडमिक होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, बिकॉज
बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या करना है, उनकी मदद करनी है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो क्या करना है, ये वीडियो जनहित में जा रही है, सबको शेयर करिए, इंजॉय करिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट।